हाँ भाई करें शुरू। तो भाई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। मैंने अपने आईफोन की 4 जगह बुकिंग कराई थी और बुकिंग लेते टाइम ना उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तुम्हें एक्स्ट्रा केस बाय करने हैं, आपको एप्पल केयर बाय करना पड़ेगा। बट जब पता लगा कि भाई प्रो मैक्स के टाइम पे तुम्हें एप्पल केयर बाय करना है ना, तो वो कंपलसरी कर दिया। तो मेरे को बहुत बड़ा फ्रॉड लगा और लोग इसे कर भी रहे हैं भाई वीडियो बनाने के लिए। और मेरे ये बात समझ नहीं आती भाई, चलो हम लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन नॉर्मल लोगों की क्या मजबूरी है? वहां जाकर एप्पल स्टोर पर लाइन लगा रहे हैं भाई, जबरदस्ती एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देके स्टोर वाले फोन। तो मेरी समझ से बाहर है भाई, बहुत ज्यादा फ्रॉड है एप्पल को लेके। बट हाँ, थैंक्स टू आई डेल्टा, इन्होंने हमें विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस लिए फोन प्रोवाइड करा दिए। हमने 3 फोन बाय करे हैं इस सीरीज के और अभी 2 हमारे पास ये रहे। एक हमारे भ्राता सीरीज यूज करने गए हैं, तो एक हमारे पास प्रो मैक्स और दूसरा हमारे पास 15 प्लस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी की बात करने वाले हैं। अब देखो 15 प्लस और 15 में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ बैटरी कैपेसिटी और साइज में डिफरेंस होता है। इसके अलावा कैमराज, डिस्प्ले, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम होती है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे 14 प्लस से। अब देखो वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए भी कर मत जाना। हमारे पड़ोसी के जो जमीन के पेपर है ना, उनका बिकना खराब नहीं जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। कह रहे यहाँ पर एक बात अच्छी लगी मेरे को कि भाई नॉन प्रो सीरीज का प्राइस सिमिलर ही है। इसका भी प्राइस 90,000 रुपए और 14 प्लस का भी प्राइस 90,000 रुपए है। वैसे लोअर वेरिएंट का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है जितना की 14 का था, 15 का भी सेम है। बट प्रो और प्रो मैक्स का तो भाई आसमानी फाड़ के ऊपर निकल गया, बहुत ज्यादा प्राइस है। और उसके बाद भी उनको ब्लैक करा जा रहा है, तो ये तो चीज मेरी समझ से बाहर है। बट हाँ, एक चीज अच्छी लगी, जब अनबॉक्स करते हैं तो अंदर टाइप सी केबल मिलती है। और जब मैंने फोन को पहली बार हाथ में लिया ना भाई, फोन में प्रो मैक्स वाली फील आई है पूरी। अब इसके पीछे रीजन सिंपल सा है भाई, पहले आपको ग्लॉस बैक मिलती थी, अभी इन्होंने मैट बैक दी है। और ये मैट बैक वैसी नहीं है जैसे कि आपको प्रो मैक्स या प्रो के अंदर मिलती थी, ये थोड़ी सी इंप्रूव्ड है। यहाँ तक कि अभी जो प्रो मैक्स आया ना, उसमें भी थोड़ी सी इंप्रूव है, काफी अच्छा टेक्सचर है। और इस पे फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं लग रहे हैं और हल्के फुल्के लगते भी हैं, तो वो नोटिसेबल नहीं है। बट इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस है, जब मैंने फोन हाथ में लिया था, वो था भाई फोन लाइट वेट हो गया है। और ये अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है 14 के कंपैरिजन में। यहाँ पर जब दोनों को साइड बाय साइड चलाओगे, आपको पता लग जाएगा भाई 14 कौन सा है, 15 कौन सा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोला था कि भाई हल्के हल्के राउंड फ्रेम करा, उससे कितना ही फर्क पड़ेगा, सेम इन हैंड फील होने वाली है। तो ऐसा नहीं है, देखो इन हैंड फील में ये कहा जा सकता है कि अच्छा खासा डिफरेंस है। और ये जो फ्रेम हल्का सा राउंड करा ना, इसकी वजह से जब आप फोन को पकड़ते हो ना, तो भाई चुभता भी नहीं और अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, काफी प्रीमियम फील हो रहा है फोन 14 के कंपैरिजन में। तो मेरे को तो इन हैंड फील में पर्सनली बहुत सही चेंज लगा है। और लाइट वेट और स्लिम तो आपको अलग ही फील होने वाला है फोन। बाकी जो बिल्ड है वो इन्होंने सेम ही रखी है, बैक में कस्टम कॉर्निंग ग्लास है, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का। और मैं फिर से कहूंगा, मैंने भाई ये डार्क कलर तो लिया, पर मेरे को पता है कि इसका फ्रेम का कलर छूट जाएगा कुछ टाइम बाद, तो मैं कहूंगा कि आप लाइट कलर ही बाय करना। जो नेचुरल कलर होता है ना एल्यूमिनियम का, वो नहीं छूटता, तो उसको उसकी तरफ जाना। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप किसको बाय करना चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब इसके अलावा जो मैंने लुक वाइज एक अलग डिफरेंस नोट करा है, वो है पहले क्या होता था, जो कैमरे वाला मॉड्यूल था वो मैट होता था, बाकी पार्ट ग्लॉस होता था। लेकिन 15 के अंदर कैमरे वाला पार्ट है भाई ग्लॉस फिनिश के साथ और बाकी फोन है हमारा मैट फिनिश के साथ, तो इससे भी एक डिफरेंस हो जाता है फोन में। अब इसके अलावा जो फोन में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो डेफिनेटली भाई फोन की डिस्प्ले में है। इसके अंदर जो प्रो सीरीज की डिस्प्ले थी ना 14 वाली, वो डाली गई है। यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड मिलता है और इसको तो मैं अपने प्रो फोन के अंदर अच्छा खासे तरीके से यूज करता था। एक तो ये जोमेटो वगैरह का टाइम बता देती है, ये बता देती है उबर कितने टाइम में आने वाली है। यहाँ तक कि अगर आप एप्पल म्यूजिक चला रहे हो ना, तो आप लॉक फोन से ना यहाँ से उसे एसेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपना म्यूजिक वगैरह। तो काफी सारी एप्स के साथ यूजफुल है, तो मेरे को तो यूजफुल लगती है, काफी लोगों को नहीं लगती, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन है। तो पहले डिफरेंस तो हमने डिस्प्ले में देख लिया, पहले नोच मिलती थी, अभी डायनेमिक आइलैंड दिया है, तो ये पहला है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस है भाई पीक ब्राइटनेस का। अगर आप नॉर्मल भी फोन इंडोर चला रहे हो, आउटडोर फोन चला रहे हो, फोटोज क्लिक करने के बाद भी जो पीक ब्राइटनेस है वो 15 की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें इंडोर पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स की है और ये HDR और आउटडोर विजिबिलिटी 2000 निट्स की प्रोवाइड कराता है। वहीं पर 15 के अंदर 800 निट्स की इंडोर पीक ब्राइटनेस है और इसकी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस जाती है 1200 निट्स की। तो पहले डिफरेंस तो हमने डिस्प्ले में देख लिया, पहले नोच मिलती थी, अभी डायनेमिक आइलैंड दिया है, तो ये पहला है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस है भाई पीक ब्राइटनेस का। अगर आप नॉर्मल भी फोन इंडोर चला रहे हो, आउटडोर फोन चला रहे हो, फोटोज क्लिक करने के बाद भी बिल्कुल गौर से देखोगे, जब भी आपको हल्का सा फर्क लगने वाला है। बट अदरवाइज मैं कहूंगा कि इतना बड़ा कोई चेंज नहीं लगा मेरे को इसमें। अब ये प्रो और प्रो मैक्स की डिस्प्ले भले ही है, लेकिन इसमें AOD नहीं मिलता। और दूसरी कमी आती है, इसमें अभी भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं डाला है। भाई तुम 90,000 रुपए ले रहे हो और इसके अंदर हाई रिफ्रेश रेट नहीं दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है 16 के अंदर लाएगा रिफ्रेश रेट एप्पल और बताएगा कि हमने ये इतना बड़ा चेंज कर दिया। तो भाई एंड्रॉइड के 12,000 वाले फोन के अंदर 120 हर्ट्ज मिल रहा है, एप्पल कुछ तो शर्म कर। बट यहाँ पर एक बात है कि डिस्प्ले की क्वालिटी पे चलें तो दोनों में सुपर रेटिना XDR OLED पैनल है, फुल HD+ डिस्प्ले, दोनों की PPI भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी, दोनों की कलर कैलिब्रेशन बिल्कुल सेम है, बस फर्क आता है जब आप नॉर्मल कंटेंट देखोगे उस टाइम पे हल्की सी 15 की डिस्प्ले ब्राइट लगेगी, लेकिन जैसे आप HDR कंटेंट लगा लोगे उस टाइम के बाद तो थोड़ी और ज्यादा ब्राइट लगती है, क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस ज्यादा है 14 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सिर्फ यही डिफरेंस है और डायनेमिक
आइलैंड वाला, बाकी दोनों के अंदर आपको अभी स्टैंड बाय का ऑप्शन मिलता ही है, मतलब दोनों फोन को लैंडस्केप पे लगा के चार्ज करोगे तो भाई अलार्म वॉच की तरह काम करेंगी, तो वो वाला फीचर तो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा iOS 17 का। बाकी आपको अगर iOS 17 के और फीचर जानने हैं तो हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो भाई, आपको सारे कमाल के फीचर मिलने वाले। और वीडियो अच्छी लगे ना तो भाई हमारे पड़ोसी के लिए एक लाइक कर देना। बाकी प्रोटेक्शन दोनों पे अभी भी सिरेमिक शील्ड मिलती है। मैं बता दूं, अगर आप फोन विदाउट स्क्रीन गार्ड चलाने की सोच रहे हो मत चलाना, क्योंकि इस पे स्क्रैच बहुत जल्दी आती है, बट हाँ ड्यूरेबल काफी ज्यादा है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। बाकी इस फोन में फेस आईडी मिलती है, और यहाँ पर आईफोन 15 के अंदर इस बार LPDDR5 रैम दी गई है, और आईफोन 14 के अंदर LPDDR4X रैम मिलती थी, तो यहाँ पर ये एक और डिफरेंस आ जाता है। हैप्टिक्स दोनों के सिमिलर हैं। स्पीकर्स में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस नोट करा, हालांकि इतना बड़ा नहीं है। 14 के अंदर थोड़ा ट्रेवल ज्यादा मिलता है, 15 के अंदर डेप्थ थोड़ी बेटर कर दी है, बस इसके अलावा लाउडनेस वगैरह में दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गए कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब इसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट चेंज पर, वो है कैमरे में। अब भाई कैमरे में 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाला इन्होंने। अब जो प्रो वाला मसाला था ना, वो इन्होंने उठा के इस फोन के अंदर डाल दिया। अब 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर वही है जो 14 प्रो सीरीज के अंदर था। अब इसकी एक एडवांटेज ये है कि भाई इसमें ना 2x ऐड हो गया, इसकी वजह से मतलब दो कैमरा होने के बाद भी आप तीन कैमरे का मजा लोगे। एक तो अल्ट्रा वाइड हो गया, एक 1x हो गया, और 48 मेगापिक्सल को ये डिजिटली यूज करके 2x में भी यूज कर रहे हैं, जिससे पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा कैप्चर करता है। बाकी इस पर अभी हम चलते हैं, उससे पहले हम आपको वीडियो के बारे में बता दें। और यह है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। अभी सच बताऊं ना तो भाई वीडियो स्टेबलाइजेशन का ना आईफोन में तुरंत पता नहीं लगता, जब प्रोसेसिंग के बाद वीडियो निकल के आती है उस टाइम पर पता लगता है। बाकी यहाँ पर मैं जितना भी डिफरेंस नोट कर पा रहा हूँ वो यही है। एक तो यहाँ पर भाई जो आईफोन 15 है ना, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरे को ज्यादा गोरा गोरा नजर आ रहा है, और 14 के अंदर थोड़ा कम। इसके अलावा कोई मेरे को चेंज नहीं लग रहा। और ये दोनों का सिनेमैटिक मोड, यहाँ पर अभी भी एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है, इसके अलावा मेरे को कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा। बस वही है जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी ब्राइट डिस्प्ले की वजह से थोड़ा ब्राइट लग रहा है। अभी देखो फ्रंट कैमरे में जितना मैंने देखा लाइट कंट्रोल इन्होंने स्क्रीन पे थोड़ा बेटर करा, और ये नोटिसेबल डिफरेंस है। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस मेरे को लगा ना, वो ऑडियो क्वालिटी में। पहले बैकग्राउंड नॉइस को ज्यादा कैच करता था 14, लेकिन 15 के अंदर बैकग्राउंड नॉइस कट हो जाती है और आपकी वॉइस पर ज्यादा फोकस रहता है। और चाहे तो आप इस पार्ट को फिर से रिपीट करके सुन सकते हो, आपको डिफरेंस नोट होने वाला है अच्छा खासा। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में फ्रंट कैमरे में ये डिफरेंस है। इसके अलावा बैक कैमरे पे चलें तो बैक कैमरे में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिफरेंस है, मतलब लाइट कंट्रोल इन्होंने थोड़ी बेहतर कर दी है। और दूसरा यहाँ पर स्टेबलाइजेशन तो सेम ही देखने के लिए मिलती है, बट जब आप एक्शन मोड में 1x में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो अभी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसकी वजह से डिटेल्स थोड़ी ज्यादा बढ़िया लगती हैं 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में। बाकी अल्ट्रा वाइड वीडियो रिकॉर्डिंग एक्शन मोड के अंदर सेम ही मिलती है। यहां पर स्टेबलाइजेशन भाई क्या ही कमाल की करता है। और हां, यहां पर फिर से कहूंगा कि मैं लाइट कंट्रोल हर एक कैमरा सेंसर के अंदर देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी और ज्यादा अच्छी लगती है। अब देखो जितना मैंने फोटोज में डिफरेंस देखा है ना फ्रंट कैमरे में भी, यहां पर क्या है कि इन्होंने थोड़ा लाइट कंट्रोल बेटर कर दिया, और दूसरा स्किन टोन थोड़ा सा इंप्रूव करा है। और ये भाई मच नीडेड था, क्योंकि लाइट कंट्रोल मेरे को थोड़ा सा कमजोर लगता था आईफोन का, मैंने पहले भी आपको बताया। बाकी डिटेल्स भी हल्की सी मेरे को लगी हैं। अब ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि भाई यहां पर ISP चेंज हुई है, क्योंकि नया प्रोसेसर डाला है इन्होंने, भले ही वो 14 प्रो सीरीज का हो बट हां नया तो है। अब उसकी बात हम आगे करने वाले हैं, बट इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड ऑलमोस्ट सिमिलरली कैप्चर करता है, बस स्किन टोन और थोड़ा सा कलर्स का ही डिफरेंस है। अब मेन कैमरे में भी सेम ही मेरे को डिफरेंस नोट हुए हैं। अब यहां पर ना काफी लोग कंफ्यूज है, क्योंकि एप्पल ने बोला था अपने लॉन्च इवेंट के अंदर हमने एक ऐसी करी है अल्ट्रा वाइड लेंस में जिससे फ्लेयर नहीं मिलेंगी। तो भाई देखो सबसे पहले तो प्रो और प्रो मैक्स के अंदर है, वो सिर्फ अल्ट्रा वाइड में है, लेकिन अगर आप 15 और 15 प्लस की बात करो उसमें नहीं है। तो यहां पर मैंने जितनी फोटोज कैप्चर करी, देखो अभी मौसम खराब था तो फ्लेयर्स तो हम अच्छे से चेक नहीं कर पाए, बट इतना जरूर कह सकता हूं कि अल्ट्रा वाइड में भी सेम डिफरेंस वही है जो कि आपको मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा में मिलता है। अब यहां पर इसके अलावा जो मेरे को एक डिफरेंस और लगा है वो भाई डेफिनेटली 2x का है, जब आप डिजिटली 2x फोटो कैप्चर करोगे। अब देखो इससे एक फायदा है, लाइक 48 मेगापिक्सल का कैमरा भले ही डाला है जिसे आप डिजिटली 2x यूज कर रहे हो, बट भाई दो कैमरा की तरह यूज हो रहा है एक कैमरा। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास प्रो मैक्स था 14 प्रो मैक्स, उसके अंदर मैं 2x यूज करता था, अलग से 3x यूज करने के लिए उन्होंने टेलीफोटो डाला था, जिसको मैंने ना के बराबर ही यूज करा है, क्योंकि भाई काफी दूर जाना पड़ता है सब्जेक्ट से फोटो क्लिक करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि भाई 2x इनफ है अभी के लिए। बाकी बड़े सेंसर की वजह से जो एक और डिफरेंस है फोटोज में वो है लो लाइट में। भाई लो लाइट के अंदर एक तो लाइट कंट्रोल बेटर हो गया, और डिटेल्स भी बढ़ी है, और अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है। तो यहां पर पहली बार कहूंगा, मैंने लाइक पहले भी 14 और 13 का कंपैरिजन करा था, उसमें बोला था कैमरास में इतना डिफरेंस नहीं है, बट इस बार नोटिसेबल डिफरेंस है। लाइक टी-शर्ट का कलर अब ज्यादा नेचुरल आता है, लाइट कंट्रोल थोड़ा बेहतर कर दिया, और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी काफी इंप्रूवमेंट करी गई है। और सबसे बड़ा तो ये है कि भाई 1x को भी 2x की तरह यूज कर रहे हो। अभी एप्पल ने अपने लॉन्च इवेंट के अंदर बताया था कि इसके अंदर फोकस एंड डेप्थ कंट्रोल है, मतलब अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करते हो तो आप उसे पोर्ट्रेट फोटो बना सकते हो। ये फीचर काफी कामयाब लगा मेरे को, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हर बार हमें या तो एक नॉर्मल फोटो क्लिक करनी पड़ती है सेम जगह, या पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करनी पड़ती है। तो इस बार नॉर्मल फोटो क्लिक
करो और भाई से पोर्ट्रेट फोटो बना लो। ये एक दो सेकंड का टाइम लेता है, काफी इजी टू यूज फीचर है और मेरे को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा। मुझे लगता है अभी नए फोनों के अंदर काफी हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और ये काम कैसे करता है, जब भी आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो ना, अगर उस फोटो के अंदर कोई इंसान है या कोई जानवर है तो ये उसकी डेप्थ के डेटा को सेव करके रखता है ताकि आप बाद में जब भी उसे पोर्ट्रेट फोटो बनाओ तो वो इजीली बन जाए। बाकी आप इसका फोकस एपर्चर को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर 1x 2x दोनों में ही काम करता है, अल्ट्रा वाइड में काम नहीं करता। और ये बात अच्छी लगी कि सिर्फ इन्होंने प्रो में नहीं दिया है, नॉन प्रो में भी आपको मिलता है। तो ये एक डिफरेंस और हो जाता है कैमराज में एज कंपेयर टू 14। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेंज, क्योंकि दो साल से नॉन प्रो सीरीज में प्रोसेसर चेंज नहीं हो रहा था, 13 और 14 में सेम प्रोसेसर था बट फाइनली 15 के अंदर चेंज कर दिया। अब 14 प्रो सीरीज के अंदर जो प्रोसेसर था ना A16 बायनिक, वो इसके अंदर डाला है जो कि 4nm पर बिल्ड है। और भाई iPhone 14 के अंदर मिलता है A15 बायनिक जो कि 5nm पर बिल्ड है, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है। और यहाँ पर हमने पहले भी ये प्रोसेसर कंपेयर करे हुए हैं, हमें यहाँ पर पहले इतना डिफरेंस नहीं मिला बट हमने अब जब टेस्ट रन कराए दोनों के अंदर N22 फुल ब्राइटनेस करके, तो सबसे पहले तो एप्पल की परंपरा रही है भाई, पुराने जो फोन है इनके भले एक सीरीज पुराने हो वो बहुत जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहां पर ये हमें फोन को नॉर्मल टेस्ट करते हुए मिला और N22 रन कराते हुए मिला। इसके अलावा जो स्कोर था वो भी iPhone 15 के अंदर पहले आ गया एंड यहां पर स्कोर में भी अच्छा खासा डिफरेंस था, करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा का स्कोर का हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला है, तो इसे मैं अच्छा डिफरेंस बोलने वाला हूं। बाकी यहां पर जो टेम्परेचर था वो कहीं ना कहीं भाई 15 का 2-3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही था हर एक टेस्ट के अंदर। बाकी Geekbench के अंदर भी सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर हमें भाई iPhone 15 का बेटर देखने के लिए मिला एंड 3D मार्क हमने रन कराया। 3D मार्क के अंदर मैं आपको बता दूं स्टेबिलिटी तो iPhone 14 की 2% अच्छी है, लेकिन फ्रेम रेट्स और बैटरी की बात करें तो वहां पर भाई iPhone 15 बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर मैंने बहुत साल भाई iPhone यूज करे हैं, मेरे को इतना तो पता है कि गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों की काफी सॉलिड है, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आपको फील होने वाला है। बस डिफरेंस फील होगा तो वही है कि एक जल्दी ब्राइटनेस कम कर लेता है, एक भाई लेट ब्राइटनेस कम करेगा स्टार्टिंग में, बट थोड़े टाइम बाद भाई 15 भी सेम टाइम पे ब्राइटनेस ड्रॉप करेगा, तो भाई आपको गेमिंग में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। एंड अगर आप विदाउट ईयरफोन्स भी खेलना चाहो तो आप आराम से खेल सकते हो, स्पीकर्स अच्छे खासे लाउड होते हैं आईफोन के, तो उस मामले में कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस आएगा तो हल्का सा आएगा, वो भी वीडियो रेंडरिंग में, वहां पर आईफोन 15 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी बहुत ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, मतलब 15 सीरीज का नाम आता है ना तो इसका नाम आ ही जाता है। अब ये चीज ना भाई एंड्रॉइड के अंदर सदियों से आ रही है और ये है टाइप सी पोर्ट, फाइनली आईफोन 15 सीरीज के अंदर एड कर दिया है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो प्रो लाइनअप है ना उसके अंदर यूएसबी टाइप सी 3.0 है, लेकिन इसके अंदर 2.0 है, जिसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड थोड़ी सी कमजोर है, प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई नहीं करती, मैं ये चीज खुलकर बोल सकता हूं। बट एक बात मेरे को सही लगी है, लाइक अगर आपके फोन के अंदर बैटरी कम है और आपके दूसरे आईफोन के अंदर अच्छी खासी बैटरी है लेकिन वो भी टाइप सी वाला होना चाहिए, तो आप उससे इसे चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लाइटनिंग पोर्ट वाले में लगा दिया है ना तो लाइटनिंग पोर्ट वाला ही चार्ज होगा, फिर उससे आप इसके अंदर चार्जिंग नहीं ले सकते भले उसके अंदर बैटरी ज्यादा हो। और एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट करोगे तो एंड्रॉइड में आप अंदर से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको चार्जिंग लेनी है या चार्जिंग देनी है। तो यहां पर कुल मिला के मेरे को टाइप सी का ये यूज लगा है। और अगर आप सोच रहे हो टाइप सी वाले कोई भी ईयरफोन लगा के इसके साथ यूज कर लोगे तो ऐसा नहीं है भाई, एप्पल नाम है इसका, ये पहले खुद प्रॉब्लम बनाता है उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो आपको इनके ही ईयरफोन यूज करने पड़ेंगे अभी तक। बाकी हो सकता है चाइनीज कंपनी कुछ ना कुछ निकाल दे। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो है बैटरी एमएच में और बैटरी बैकअप में। देखो प्लस का जो बैटरी बैकअप होता है वो पूरे लाइनअप में सबसे खतरनाक होता है, स्टार्टिंग में नहीं था पहले 14 प्लस का, बट बाद में अपडेट के बाद इन्होंने बहुत ही तगड़ा कर दिया और एप्पल बोलता भी है चिक चिक के कि ये बेस्ट बैटरी बैकअप वाला फोन है, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट तो है ही नहीं तो बैटरी कहां से कंज्यूम करेगा और रैम मैनेजमेंट तगड़ा हो और बैकग्राउंड में कोई ऐप चला के रखते हो उसके डेटा को सेव करता ही नहीं है, तो बैटरी बैकअप तो अच्छा अपने आप ही मिलने वाला है। खैर यहाँ पर मैं बता दूं कि एक्चुअल में 14 प्लस का जो बैटरी बैकअप था सॉलिड था और अभी 15 प्लस का इससे भी ज्यादा सॉलिड लग रहा है मेरे को। और इसके पीछे दो रीजन है, एक तो भाई देखो यहाँ पर आपको 60mAh बैटरी ज्यादा मिलती है, दूसरा जो प्रोसेसर है वो 4nm पर बिल्ड है, और थर्ड भाई अभी ये नया फोन है इसके अंदर माल मसाला नहीं डाला, इसको हमने काफी बार चार्ज नहीं करा, तो हो सकता है इस वजह से भी इसका बैटरी बैकअप ज्यादा लग रहा हो मेरे को। तो अभी जितना मिला मैंने आपके सामने रख दिया। तो पहली बार मैं ये चीज तो कह सकता कि पूरे iPhone लाइनअप में मैं भाई iPhone 15 और 15 प्लस से काफी इंप्रेस हुआ हूं। बस इसके अंदर एक ही कमी है, वो है हाई रिफ्रेश रेट की। बाकी इस फोन को मैं सजेस्ट कर सकता हूं, मतलब ये चीज कह सकते हैं कि अगर आप 14 या 14 प्लस यूज कर रहे हो और आपका मन कर रहा है कि 15 या 15 प्लस लें तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस है भाई फोन के अंदर। यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि प्रो और प्रो मैक्स ना लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, लगभग इससे दुगनी कीमत के फोन है, तो उन्हें छोड़ दो भाई, इसको ले लो, वर्थ फोन है और बैटरी बैकअप कैमरास काफी तगड़े हो चुके हैं फोन के। वरना मैं 2 साल से तो
तो यही बोल रहा हूँ कि भाई आप चेंज मत करो, क्योंकि सेम ही फोन होते थे, बट इस बार मेरे को मजबूर कर दिया बोलने में कि चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई जरूर घंटे को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम कंपेयर करने वाले हैं प्रो मैक्स और प्रो मैक्स को। ये वीडियो भी आपको शायद आज ही मिल जाए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्द एक कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा, टू वॉच योर हार्ट, विल स्टे इन विद दैट एचएफवीएन बॉक्स गाइस।